नमस्कार गुड आफ्टरनून स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे दोस्तों कोरोना जब हम लोग बहुत चिंतित थे तब इतना आ, फ्यूरियस नहीं था परंतु आज जब जब शायद दिमाग से टेंशन का जो कोरोना का टेंशन है वो कम हो गया है मतलब हम लोग शायद थोड़े केयरलेस हो गए हैं तब ये कोरोना एक बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले चुका है मुझे लगता है अब ज़्यादा समय है कि हम बिना रुके आगे बढ़ते रहें परंतु सारे एहतियात बरतते रहें दोस्तों बिल्कुल भी आपको हल्की सी भी उसमें चूक नहीं बरतनी है क्योंकि ये आपकी नहीं तो कम से कम जो आपके घर पे बुज़ुर्ग और बच्चे हैं ये उनकी आ, सलामती का सवाल है बच्चों का और बुज़ुर्गों का शायद आप जवान हैं शायद हम पे असर ना हो कम हो ज़्यादा हो परंतु आपको अपना और अपनों का ध्यान रखना है अगर हम सभी देशवासी ये सोचें तो दोस्तों ये जो वैश्विक महामारी भारत में अभी केंद्र ले चुकी है अपना उसको हराने में सफल रहेंगे अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गौतम बाबा चंदन कृति कौशल सुबिता सोनू कृति वाइटू के सोनू मदन और भी बहुत सारे दोस्त लगातार कमेंट आते जा रहे हैं ऊपर सबके नाम धीरे धीरे लेंगे सबसे बातें भी करेंगे पहले आप देखें कि वीडियो का टाइटल आप देख रहे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग वही हम आज करने वाले हैं दोस्तों ये अर्थमेटिकल रीजनिंग भला है क्या देखें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सिलेबस में नहीं लिखे होते पर निरंतर वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस जैसे बहुत सारे तरह के होते हैं हम आज की क्लास और अगली क्लास यानी दो दो वीडियोस में जितने भी तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में मैं आपको ले आ, कराने वाला हूं इनमें से एक आध क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम में देखते हैं स्पेशली एन के एग्ज़ाम में भी इनको देखा गया है इसलिए मैं इनको पहले लेकर आ रहा हूँ आपको याद होगा दोस्तों जो पहली क्लास हमारी सिलेबस की थी जिसमें मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने आपसे कुछ टॉपिक्स में हाईलाइट करवाए थे कि ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन हर बार पूछे गए एक से ज़्यादा भी पूछे गए दो तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस कड़ी में आपने ब्लड रिलेशन कोडिंग डोडिंग जैसे कुछ क्वेश्चन किए सिलॉक्स के क्वेश्चन किए दोस्तों अर्थमेटिकल रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है क्या होगा सिलेबस की लिस्ट लेके बैठोगे ना सिलेबस की लिस्ट में ये इस नाम का कोई टॉपिक नहीं होगा कभी कभी लिखा होता है गणितीय संक्रियाएं मैथामेटिकल ऑपरेशन तो दोस्तों मैथामेटिकल ऑपरेशन मैथामेटिकल रीजनिंग यानी एरिथमेटिकल रीजनिंग का ही एक हिस्सा है इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन उपहार देने वाले क्वेश्चन सब्जी कितने किलो है उसके क्वेश्चन हो सकते हैं बंदर ऊपर नीचे हो रहा है उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं प्लस को माइनस कहो माइनस को मल्टीप्लाई कहो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं ये सभी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आज और कल की क्लास में मैं कवर करूंगा उम्मीद करता हूं जिस तरह पिछले टॉपिक आप सबको मैं बहुत गहराई से समझाने में सफल रहा उसी तरह इस टॉपिक को भी हम बहुत गहराई से समझेंगे और एग्ज़ाम में आपको इसकी वजह से बहुत फ़ायदा होना है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों शुरुआत करते हैं टाइप वन से दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में लिखे हुए हैं पर अंग्रेज़ी में उनका अनुवाद कर दूंगा आई एल ट्रांसलेट दैम इन इंग्लिश पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो और इसमें क्या क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे दोस्तों लिखा है एक समारोह में बारह एक समारोह में बारह मित्र एक समारोह में बारह मित्र को एक दूसरे से हाथ मिलाना था कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे ए ट्वेल्व फ्रेंड्स इन अ पार्टी वर शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर फाइंड द नंबर ऑफ टाइम द एक्ट ऑफ हैंड शेक विल टेक प्लेस हाथ मिलाने की प्रक्रिया कितनी बार होगी दोस्तों अब फॉर्मूला रटवा दूंगा एक सेकंड का है उससे आंसर आ जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा परन्तु एक बार गहराई से डिटेल्स समझ लें दोस्तों जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही जैसे हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है हाथ मिलाना इसकी जगह गले मिलना भी हो सकता है गले मिलना या जिस टर्म का यूज कर सकते हैं वो होता है फ़ोन पे बात करना फ़ोन पे बात करना या हो सकता है मैच खेलना मैच खेलना और एक क्वेश्चन अलग तरीके का बनता है वो बनता है गिफ्ट देना गिफ्ट देना कार्ड देना फूल देना एटसेट्रा दोस्तों इन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस में एक फर्क देखो जब मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ तो उसी में आपने भी तो मुझसे हाथ मिला लिया एक बार हाथ मिलाया अपन दोनों एक दूसरे के लिए एक ही बार में सलट गए मैंने आपको गले मिला आप मैं आपके गले लगा और आप मेरे गले लगे एक ही बार में आपने मुझसे भी वही क्रिया की जो तो मैंने आपसे की मैंने आपसे फ़ोन पे बात की या आपने मुझसे फ़ोन पे बात की एक ही बार में दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। इंडिया ने पाकिस्तान से मैच खेला या पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेला वो एक ही बार में काउंट हो जाएगा पर जब गिफ्ट देने की बारी आएगी दोस्तों तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा आपकी तरफ से गिफ्ट सेकेंड बार में काउंट होगा मतलब जब दो लोगों के बीच कोई एक्ट एक बार में दोनों तरफा हो जाए और दो बार करना पड़े ये फर्क है अब एक सिंपल सी बात कर रहा हूं पहले इस तरह के क्वेश्चंस पे गौर करना और बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन दोस्तों इस अर्थमेटिकल रीजनिंग में आने वाले हैं बहुत तरह के हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले तो आपको लगातार शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा हाँ जी हाँ प्रशांत सुनीता मिलन मनोज पिंटू सब लोग सीरियसली पढ़ेंगे ठीक है अब आप देखो भैया जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो यानी जब कोई काम मुझे आपके लिए करना पड़े आप मेरे लिए दूसरी बार करें इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे एक बात बताओ ये कितने दोस्त हैं सर ये बारह दोस्त हैं दोस्त एक बात बताओ सपोज़ करो दिवाली आ रही है और हमें एक दूसरे को गिफ्ट देना है क्या देना है गिफ्ट देना है दिवाली से दो दिन पहले मैं मार्केट जाऊँगा मैं बारह दोस्तों में से एक हूँ मैं खुद के लिए गिफ्ट नहीं लाऊंगा मैं अपने बचे हुए ग्यारह दोस्तों के लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा मैं कितने गिफ्ट्स लेकर आऊँगा ग्यारह गिफ्ट्स लेकर आऊँगा बारह में से एक मैं हूँ मेरे ग्यारह दोस्त वैसे ही दोस्तों आप भी अगर उन बारह में से एक हो आप भी खुद के लिए गिफ्ट नहीं लाओगे बचे हुए ग्यारह दोस्तों के लिए गिफ्ट लाओगे यानी हम बारह के बारह लोग हम बारह के बारह लोग शाम को जाकर ग्यारह ग्यारह गिफ्ट लेकर आएंगे हम बारह के बारह दोस्त आज शाम को जाकर ग्यारह ग्यारह गिफ्ट खरीद कर लाएंगे तो कितने गिफ्ट्स का एक्सचेंज होगा बारह इंटू ग्यारह एक सौ बत्तीस यानी इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों एन इंटू एन माइनस वन का फॉर्मूला बनता है एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी हो गई एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में बारह हो गई कि बारह दोस्त हैं बारह के बारह दोस्त ग्यारह ग्यारह गिफ्ट लाएंगे मतलब एन दोस्त एन माइनस वन गिफ्ट्स लाएंगे तो कितने गिफ्ट एक्सचेंज होंगे कितने गिफ्ट्स का आदान प्रदान होगा एन इंटू एन माइनस वन बारह इंटू ग्यारह दस इंटू नौ आठ इंटू सात पाँच इंटू चार पंद्रह इंटू चौदह एट्सेट्रा एट्सेट्रा बट दोस्तों जब ये चीज़ होगी जब हाथ मिलाने की बात चलेगी सेम चीज है अगर मैं बारह में से एक हूँ अगर मैं बारह में से एक हूँ तो मैं ग्यारह दोस्तों से हाथ मिलाऊँगा अगर मैं बारह में से एक हूँ तो मैं ग्यारह दोस्तों से हाथ मिलाऊँगा पर जब मैंने ग्यारह दोस्तों से हाथ मिलाया तो ग्यारह ने भी मुझसे हाथ मिला लिया मतलब नंबर ऑफ एक्ट इसके आधे हो जाएंगे यानी एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू हो जाएंगे एन इंटू एन माइनस वन तो था यहाँ पे उसे आधा कर लें क्योंकि आप और मैं जब गिफ्ट देंगे एक दूसरे को तो दो गिफ्ट होंगे पर आप और मैं जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे गले लगेंगे तो केवल एक ही बार गले मिलने से आप और मैं दोनों गले मिल लिए एक दूसरे से इसलिए डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जाए आपको रटना नहीं है आपको समझना है यार हाथ एक बार में दोनों मिला लिए यार गले एक बार में दोनों मिल लिए यार फ़ोन पे बात एक ही बार में दोनों ने कर ली यार क्रिकेट मैच दो टीमों ने एक मैच खेला दोनों एक दूसरे से मैच खेल लिए तो इस तरह के केस में आपका आंसर एन इन टू एन माइनस वन अपॉइंट टू होगा और इस केस में आपका आंसर जब द, डबल चीज़ें हो रही हो गिफ्ट आपको मैंने दिया आपने मुझे अलग दिया कार्ड मैंने आपको अलग दिया आपने मुझे अलग दिया फूल मैंने आपको अलग दिया आपने मुझे अलग दिया तो उस केस में नंबर ऑफ गिफ्ट या नंबर ऑफ कार्ड या नंबर ऑफ फूल कितने हो जाएंगे एन इनटू एन माइनस वन हो जाएंगे जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है एन की वैल्यू 12 है क्वेश्चन है हाथ मिलाने का हैंडशेक का तो हैंडशेक दोस्तों कितने हो जाएंगे एन इनटू एन माइनस वन अपऑन टू यानी 12 इनटू 11 बटा दो यानी 128 बटा दो 66 कितना 66. अगर यही हाथ मिलाने की जगह गिफ्ट लिखा होता तो ये डिवाइड बाय टू नहीं आता और एग्जैक्टली सिक्सटी सिक्स आपका आंसर हो जाता बात समझ में आई अब इसी चीज़ को दोस्तों एक और तरह से कहा जाता है एक और तरह से लिखा जाता है वो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों एक बात बताओ <clears throat> ये बारह दोस्त हैं कितने दोस्त हैं बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह दोस्तों इस पहले दोस्त को ग्यारह लोगों से हाथ मिलाने खुद से नहीं मिलाएगा बाकियों से मिलाएगा ये जो दूसरा आदमी है दोस्तों ये जो दूसरा आदमी है वो पहले से तो मिला चुका है खुद से भी नहीं मिलाएगा और अपने ऊपर वाले से भी नहीं मिलाएगा तो उसके नीचे दस लोग बचे उनसे हाथ मिलाएगा उससे नीचे वाला आदमी नौ लोगों से हाथ मिलाएगा क्योंकि उन दो से तो मिला ही चुका है उसके नीचे वाला आदमी आठ बार और हाथ मिलाएगा उसके नीचे वाला सात बार उसके नीचे वाला छः बार उसके नीचे वाला पाँच बार उसके नीचे वाला चार बार उसके नीचे वाला तीन बार उसके नीचे वाला दो बार उसके नीचे वाला एक बार और उसके नीचे वाला जीरो इस ज़ीरो को भूल जाओ तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो दोस्तों ग्यारह से लेकर एक तक का टोटल कर रहे हो बारह से लेकर एक तक का नहीं ग्यारह से लेकर एक तक का टोटल कर रहे हो और अगर आपने क्रमिक संख्याओं का योग सीखा है तो वो होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू आप ये भी कर सकते हैं देखो अब 11 से लेकर एक तक का टोटल करना है तो यहाँ पे 11 n की वैल्यू मानी जाएगी तो 11 प्लस बारह अपॉन दो एन क्रमिक संख्याओं का टोटल कंजीक्यूटिव नंबर्स का टोटल का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वो होता है एन इन टू एन प्लस वन आपके अगर 12 दोस्त हैं तो आपको 11 से लेकर एक तक का टोटल करना है 15 दोस्त हैं तो 14 से एक एक तक का टोटल करना है 20 दोस्त हैं तो 19 से एक तक का टोटल करना है फॉर्मूला एन इन टू होता है पर यहाँ पे जो एन इस फॉर्मूले में जो एन है वो एन बारह है तो ग्यारह लेना है दस है तो नौ लेना है आठ है तो सात लेना है तो वो ना करते हुए दोस्तों आपने इन दोनों मेथड्स को आपने इन दोनों मेथड्स को एक ही समझा और आपकी नज़र में केवल एक ही फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इस तरह की कैटेगरी में और n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू नहीं आएगा इस तरह की कैटेगरी में अब आगे बढ़ेंगे क्या क्वेश्चन इतना ही सिंपल रहेगा हाथ मिलाने में और गिफ्ट देने में क्या इसमें कोई चेंज आ सकते हैं उस चेंज की भी बात करूंगा अभी लिख लें इसे अगर आप लिखना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लिख लें एक बात बताओ कल मैं नहीं आया था क्या आपको मेरी याद आई थी कि नहीं कमेंट करके बताना अगर आपको मेरी याद आई थी तो कमेंट करके बताना और भाई लगभग बयालीस तयालीस सौ लोग फोर्टी लोग लाइव हैं तो लाइक्स पंद्रह भी नहीं है बताओ ये फिर ऐसी कैसी याद आई आपको मेरे से प्रेम ही नहीं है मैं दिन रात दोस्तों आपके बारे में सोचता हूं सुबह उठता हूं तो तुम्हें देखता हूं रात को सोता हूं तो तुम्हें देख के सोना चाहता हूँ फिर भी तुम ऐसे बताओ बेवफाई करते हो क्या मतलब रह गया जिंदगी का अरे हाँ या ना क्लियर हो गया आगे बढ़ रहा हूं जरा गौर से देखें दोस्तों सेम क्वेश्चन है बोले दिवाली के मौके पर बारह दोस्तों को एक दूसरे को उपहार देना था उपहार देने वाले में आपने मुझे गिफ्ट दिया मैंने आपको गिफ्ट दिया तो अपॉन टू नहीं आएगा तो सीधे एन एन वन आएगा अपॉन टू मत लिखना यानी बारह इंटू ग्यारह लिखिएगा सीधे और आपका आंसर वन थर्टी टू हो जाएगा सही बोल रहा हूँ कि नहीं हाँ या ना वेरी नाइस कह रहे हाँ सर याद आई थी आप लोगों ने अलग अलग वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी किए थे कि आज हमारी क्लास नहीं लगी अक्षय सर की देखे थे मैंने मुझे स्क्रीन भेजे गए थे अलग अलग टीचर्स द्वारा अपने वीडियोज में जो आपने कमेंट्स किए दोस्तों कल थोड़ा सा ऐसे ही मुझे अंडर रेस्ट लग रहा था तो मुझे लगा एक दिन आराम कर लूं ताकि और एनर्जी से आपको लगातार इस रेस में आगे हम दौड़ते रहें ठीक है हाँ भाई चलिए ये हो गया कर लोगे कर लोगे कि नहीं कर लोगे अब एक ट्विस्ट लाने वाला हूँ क्या लाने वाला हूँ ट्विस्ट लाने वाला हूँ वो ट्विस्ट लाने से पहले एक क्वेश्चन और कर लो बोले ईद के मौके पर ईद के मौके पर आठ मित्र एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे कुल कितनी बार गले मिले जाएंगे ऑन दी ओकेजन ऑफ ईद एट फ्रेंड्स हैड टू हग हग ईच अदर हाउ मैनी टाइम्स विल द एक्ट ऑफ हगिंग विल टेक प्लेस हाँ भैया गुस्सा है हमसे गौतम गौतम कह रहा है सर मैं गुस्सा हूं आपसे क्यों भाई मैंने क्या बकरी चुराई तुम्हारी बताओ <laughs> अनिल अनिल दोस्त दो वाली क्लास और ली थी स्टैटिक जीके की हाँ तो कोई बात नहीं यार स्टैटिक जीके के नोट्स वोट्स मत बनाओ ना मैं तो कह रहा हूं मेरी क्लास के भी नोट्स मत बनाओ देखो जहाँ लगे कि यार ये पॉइंट लिखने वाला है वही चीज़ लिखो खुद समझो कि आठ घंटे में आठ घंटे नहीं पढ़ पाओगे आठ घंटे को कैसे खुद के लिए रेस्टफुल बनाया जाए गाइज इसका आंसर चाहिए मुझे इसका आंसर चाहिए इसका आंसर देने वाला अभी तक कोई आया नहीं क्या रोहित टेलर ने आंसर दिया है अट्ठाईस अट्ठाइस आंसर आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल दिनेश हर एग्जाम में ये टॉपिक होता है ठीक है ओके अभी ज्यादातर लोग का आंसर 28 है मैं बोल रहा हूँ भाई 28 क्यों है तो उसने कहा सर n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू करेंगे यानी आठ इंटू सात अपॉन दो सर 28 होगा मैंने बोला क्या ये वाकई में करेक्ट है अरे मेरे भोले बच्चों ईद पे कभी किसी को गले लगे हो या ईद पे किसी को गले लगते हुए देखा है फिल्मों में देखा होगा या कोई दोस्त भी आपके अगर होंगे जिन्हों जो ईद इस्लाम से जुड़े हैं आपने उन्हें देखा होगा वो ईद पर एक बार लेफ्ट फिर एक बार राइट फिर एक बार लेफ्ट गले लगते हैं तो इन टू तीन करके चौरासी आंसर दूं या नहीं दूं अरे नहीं चौरासी मत देना भाई अट्ठाईस ही करेक्ट है ठीक है ये मुझसे एक बार बहुत साल पहले की बात है एक बच्चे ने कहा कि सर ईद पे हम तीन बार गले मिलते हैं सर तो इन टू तीन करना चाहिए ठीक है नहीं तो इंटू थ्री नहीं करना है ट्वेंटी एट इज़ दी करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है अब दोस्तों इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूँ अब इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूँ अभी तक लोग पता थे आठ हैं दस हैं नौ हैं छः हैं मैं कह रहा हूँ अब ये लोग नहीं पता हाथ कितनी बार मिले पता है गले कितनी बार मिले पता है गिफ्ट कितनी बार मिले पता है लोगों की संख्या बताओ तरीका बताऊंगा एक सेकंड वाला पहले जरा क्वेश्चन पे गौर करो पहले जरा क्वेश्चन पे गौर करो क्वेश्चन देखो नववर्ष के मौके पर ऑन ईव ऑफ न्यू ईयर कुछ दोस्तों को एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेजने थे हैड टू ग्रीट ईच अदर और सेंड मैसेजेस टू ईच अदर यदि कुल एक संदेशों का आदान प्रदान हुआ कुल कितने कार्ड्स दिए गए या मैसेज दिए गए एक तो आपको बताना है मित्रों की संख्या कितनी है दोस्तों अगर चुटकी में सॉल्व करना है तो चुटकी वाला देखो और फिर दोस्तों घुटकी वाला देखेंगे एक से जस्ट बड़ा ध्यान से सुन लो कान खोल के आंख खोल के पलक झपक गई तो चला गया एक सौ बयासी से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग कौन सा है सर एक सौ बयासी से बड़ा सर वन नाइनटी सिक्स है अरे किसका सर एक सौ बयासी से जस्ट बड़ा वन सिक्स जो स्क्वायर है वो चौदह का है इसका मतलब दोस्तों की संख्या कितनी हो गई चौदह हो गई इसका कारण बताऊंगा ऐसे करना है आपको पहली बात तो ये रटना है कि अच्छा ऐसे करेंगे मैंने कहा ऐसे करेंगे क्यों करेंगे कारण देखो और फिर इस चीज़ को दिमाग में रख लेना दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है ये कार्ड देने वाला कार्ड देने वाले क्वेश्चन में या मैसेज भेजने आपने मुझे अलग मैसेज भेजा मैंने आपको अलग मैसेज भेजा ना भाई दिवाली पे अपन ने तुमने मैंने हैप्पी दिवाली बोला तुमने भी सर सेम टू यू बोला या हैप्पी दिवाली बोला तो अपने में दो मैसेज यानी वो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू नहीं लगेगा ठीक है एन इंटू एन माइनस वन की वैल्यू एक सौ बयासी है जो इसका ओरिजिनल कन्वेंशनल मेथड पारंपरिक तरीका है पहले उसकी बात कर रहा हूं गौर से देखें एन इन टू एन माइनस वन इज इक्वल टू वन एटी टू कह रहे हैं सॉल्व करें अगर इसको तो एन स्क्स एन इज इक्वल टू वन एटी टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन एटी टू इज इक्वल टू जीरो और सॉल्व करो तो एन स्क्वायर माइनस चौदह एन माइनस तेरह एन प्लस तेरह एन माइनस एक सौ बयासी इज इक्वल टू जीरो एन एन माइनस चौदह प्लस तेरह एन माइनस चौदह एन माइनस चौदह कॉमन इधर बचा एन इधर बचा तेरह दोस्तों एक बार एन माइनस चौदह इज इक्वल टू जीरो करोगे तो एन की वैल्यू चौदह आएगी और एन प्लस तेरह इज इक्वल टू जीरो करोगे तो एन की वैल्यू माइनस तेरह आएगी लोगों की संख्या नेगेटिव कैसे हो सकती है माइनस तेरह दोस्त क्या होते हैं तो ये गलत हो गया और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया पर ऐसे करने में रात होगी और ध्यान से सुनना ऐसे करने वाला बच्चा ये जो मिडल टर्म स्प्लिट किया है इस माइनस वन एन को माइनस चौदह प्लस माइनस तेरह कैसे लिखेगा दिमाग में ये सब कैसे आएगा तो दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आपके पास ये जो फॉर्मूला है आप इसे फील करो क्या करो इसे फील करो फील कैसे करोगे कि सर एन इंटू एन माइनस वन का मतलब ये है एन इंटू एन माइनस वन का मतलब ये है सर कि एक नंबर और उससे ठीक पहले वाला नंबर सर अगर पंद्रह है तो पंद्रह इंटू चौदह चौदह है तो चौदह इंटू तेरह बीस है तो बीस इंटू उन्नीस छह है तो छह इंटू पांच तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सौ बयासी ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट है गुणनफल है जिन ज, 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 जो क्रमिक हों एक के बाद एक बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और जो बड़ा नंबर है वो एन है आपने कहा अच्छा एक सौ बयासी ऐसा नंबर है मैंने कहा और दिमाग लगाओ जैसे चौदह इंटू तेरह करना होता सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि बारह इंटू ग्यारह करो तो बारह इंटू ग्यारह का मतलब क्या है बारह के स्क्वायर में से बारह घटाना 12 into 11 का मतलब क्या होता है इस 11 को मैंने गलती से 12 पढ़ लिया तो 12 का स्क्वायर 144 बाद में मुझे पता चला अरे ये तो 11 है तो मैंने कहा एक बार ज्यादा ले लिया एक बार घटा दो तो आंसर क्या आने वाला है 132 132 से जस्ट बड़ा स्क्वायर 12 का स्क्वायर ही तो होगा तो उसी तरह दोस्तों मैंने आपसे कहा कि 182 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है आपने बोला सर 196 है 196 है 196 किसका स्क्वायर होता है सर 196 14 का स्क्वायर होता है तो आपके n की वैल्यू 14 आ गई बाकी दोस्तों अगर कुछ भी दिमाग में ना आए तो आपके पास ऑप्शंस होंगे 12 10 14 13 ऑप्शन टेस्ट तो है ही ना वो तो कर ही लोगे आपने कहा सर ट्राई कर लेते ना एक सेकंड लगेगा अगर दोस्त बारह है तो बारह इंटू ग्यारह इंटू एन, एन माइनस वन बारह इंटू ग्यारह करके देखा सर बारह इंटू ग्यारह तो सर एक सौ बत्तीस होता है मैंने कहा एक सौ बयासी नहीं हुआ मतलब ये गलत है अब बारह में ही गलत है तो उससे छोटे नंबरों में तो गलत ही होगा आपको तो एक सौ बत्तीस से बड़ा चाहिए तो आपने बारह से बड़ा ऑप्शन तेरह चेक किया एन इंटू एन माइनस वन मतलब बारह इंटू तेरह करके देखा तो एक सौ छप्पन आया एक सौ बयासी नहीं आया चौदह ट्राई किया तो चौदह इंटू तेरा मल्टीप्लाई करके देखा एक सौ बयासी आया हमने कहा हाँ चौदह पे वैल्यू मैच हो गई तो यही आपका आंसर हो जाएगा अरे बात भेजे में घुस रही है पर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता एक सौ बयासी से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग वन नाइनटी सिक्स किसका चौदह का तो वही दोस्तों आंसर हो जाएगा बात आई समझ में या नहीं अभी क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त ऑप्शन टेस्ट से कर लेंगे हाँ ऑप्शन टेस्ट से कर लो आ, कालीन भैया क़ालीन भैया क्या कह रहे हैं पीएनसी अप्लाई करो क्यों बेकार में इतना घुमा रहे हो अरे कालीन भैया घुमाया तो तुमको गुड्डू ने था घुमाया तो तुमको गुड्डू ने था मैं क्यों घुमाऊंगा बताओ अरे ठीक है कि नहीं ओके okay. आगे बढ़े आगे बढ़ जाए सेम क्वेश्चन है दोस्तों सेम क्वेश्चन है करके दिखाओ हाँ दोस्तों ये दो क्वेश्चन हैं जो आपने डायरेक्ट किया कि इससे बड़ा स्क्वायर ढूंढ लो अरे 306 से जस्ट बड़ा स्क्वायर ढूंढोगे तो तीन आएगा किसका 18 का तो 18 आपका आंसर है नहीं तो ऑप्शन टेस्ट से कर सकते हो दोस्तों उपहार वाले में उपहार वाले में ये चल जाएगा उपहार वाले में ये चल जाएगा इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर ढूंढो क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन वो तीन सौ है। अरे हाँ या ना ऑप्शन टेस्ट से कर लो अगर तेरह है तो तेरह इंटू बारह मैंने कहा सर ये तो एक सौ बत्तीस एक सौ छप्पन होता है सोलह इंटू सत्रह सर सोलह इंटू सत्रह दो सौ बयासी दो सौ बहत्तर होता है अच्छा सत्रह इंटू अट्ठारह सर सत्रह इंटू सोलह अगर सोलह इंटू पंद्रह करना था सोलह इंटू पंद्रह करेंगे तो दो सौ चालीस आएगा सत्रह इंटू सोलह करेंगे तो दो सौ बहत्तर आएगा और अट्ठारह इंटू सत्रह करेंगे तो जाके तीन सौ छ आएगा तीन सौ छह वैल्यू मैच हुई अट्ठारह के साथ ऑप्शन टेस्ट तो सदैव रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे भी रहेगा ऑप्शन टेस्ट करो पर हाथ मिलाने वाले में अपॉन टू आता है अब आप यह मत कहना कि सर 120 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 11 का सर 121 नहीं भाई वो यहां पे वैलिड है उपहार वाले में कार्ड वाले में फूल वाले में पर हाथ मिलाने गले लगने में एक चेंज करना पड़ेगा क्या आपको पता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू का फॉर्मूला लगेगा और उसकी वैल्यू 120 है इंटू दो करोगे तो एन इंटू एन माइनस वन दो आएगा मतलब हाथ मिलाए गए हैं 120 बार तो गिफ्ट का लेन देन दो बार होगा और गिफ्ट वाले क्वेश्चन में इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर चल जाएगा 240 से जस्ट बड़ा स्क्वायर दो किसका 16 का तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा याद रखना मैंने बताया इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर पता करो वो उपहार वाले में, में, में फूल वाले में, डबल वाले डबल एक्सचेंज चलता है। सिंगल एक्सचेंज वाले में ये दो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 240 आया अब ये क्वेश्चन सेम हो गया मतलब हाथ मिलाना 120 बार हुआ तो गिफ्ट वाला 240 वैल्यू आएगी कितनी आएगी 240? और 240 से बड़ा स्क्वायर 256 किसका 16 का और चाहो तो ऑप्शन टेस्ट कर लो चाहो तो ऑप्शन टेस्ट कर लो हां ना ठीक है या नहीं यस सिक्सटीन इज द करेक्ट आंसर इसको पूरा डेरिवेशन नहीं करना है अगर डेरिवेशन किया तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं ठीक है यस yes. ओके okay. आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और दोस्तों क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को क्या करते हैं ट्विस्ट करते हैं ध्यान से देखिए टाइप टू टाइप टू अच्छा क्वेश्चन है आप ये समझ लो कि हर साल किसी ना किसी एग्जाम में एक बार तो ये क्वेश्चन आई जाता है और ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है ये इजी है और यही आया है इसको डिफिकल्ट कैसे करेंगे वो सारे चेंजेस बता दूंगा कि बुरी से बुरी स्थिति में फंस जाओ अगर तो आपका काम तो हो जाएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखना अब कोई कमेंट वमेंट मत करना कन्हैया प्रकाश तेज सिंह रिया श्रवण उपेंद्र लक्ष्मी सब एक बार रुक जाओ तो रुक जाओ तेजस्वी रुक जाओ रमेश रुक जाओ सिर्फ देखो एक सब्जी वाले से यह पूछने पर कि उसके पास कुल कितने किलोग्राम सब्जी है उसने उत्तर दिया आठ किलोग्राम छोड़कर सब आलू हैं आठ किलोग्राम छोड़कर सब बैंगन है और आठ किलोग्राम छोड़कर सब ककड़ी है तो बताओ उसके पास कुल कितने किलोग्राम सब्जी है दोस्तों पहले रटवाऊं या पहले तरीका समझाऊं रटवा दूंगा पांच सेकंड में आंसर आएगा पर तरीका समझ लो पर तरीका समझ लो ताकि दिमाग में रीजन बैठ जाए ठीक है एक सब्जी वाले से पूछा तेरे पास जो तेरा जो ये टपरी है ठेला है पूरा इसमें टोटल कितने किलो सब्जी है उसने घुमा के आंसर दिया बोला आठ किलोग्राम छोड़कर सब आलू है मतलब आलू छोड़ दें तो बची हुई चीजें आठ हैं और उसके अलावा सब आलू है अच्छा उसकी दुकान में सब्जी कौन कौन सी है उसकी दुकान में आलू है बैंगन है और ककड़ी है दोस्तों आलू सपोज करो एक किलोग्राम है बैंगन सपोज करो बी किलोग्राम है और ककड़ी सपोज करो सी किलोग्राम है अरे या ना और इसके अर्थ को समझना आठ किलोग्राम छोड़कर सब आलू है दोस्तों आठ किलोग्राम छोड़ दो इसमें से क्या छोड़ू के आलू बचे आप कहोगे सर इसमें से बी और सी छोड़ दो सब आलू है मतलब ये किलोग्राम छोड़कर सब आलू है मैं आलू किस आठ किलोग्राम किसकी वैल्यू है बी और सी की हाँ या ना अच्छा फिर बोल रहा है आठ किलोग्राम छोड़कर सब बैंगन है दोस्तों आठ किलोग्राम छोड़ के सब बैंगन है इनमें से क्या छोड़ू की बैंगन बचे आप कहोगे सर ए और सी की वैल्यू आठ है मतलब ए और सी की वैल्यू कितनी हो गई आठ क्योंकि आठ किलोग्राम ये दोनों होंगे तभी तो इन्हें छोड़कर सब बैंगन है और फिर आपसे कह रहा है आठ किलोग्राम छोड़कर सब ककड़ी है आठ किलोग्राम छोड़ के सब ककड़ी है ठेले में से ए और बी को छोड़ दूं तो सब ककड़ी ही ककड़ी बचेंगी ना तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई आठ हो गई दोस्तों कमेंट करके बताना टाइम एंड वर्क पढ़ा है क्या टाइम एंड वर्क पढ़ा है थोड़ा बहुत कभी आपको याद है उसमें क्वेश्चन आता है ए और बी मिलकर एक काम को दस दिन में कर सकते हैं बी और सी मिलकर एक काम को बारह दिन में कर सकते हैं ए और सी मिलकर उस काम को पंद्रह दिन में कर सकते हैं इक्वेशन बनती है सेम यही अब यहां पे देखना दोस्तों ए प्लस ए टू ए बी प्लस बी टू बी C प्लस सी टू सी इज इक्वल टू आठ प्लस आठ प्लस आठ चौबीस दो कॉमन निकल गया A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू चौबिस यानी A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू चौबिस बटा दो बारह दोस्तों ये तो एक्चुअल मतलब है अगली बार जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा बोले आठ किलोग्राम छोड़कर सब आलू है आठ किलोग्राम छोड़कर सब बैंगन है आठ किलोग्राम छोड़कर सब ककड़ी है बताओ कुल कितनी सब्जी है दोस्तों उन तीनों वैल्यूज को जोड़िए और दो से डिवाइड कीजिए चौबीस अपॉन दो आपका आंसर कितने किलोग्राम आ जाएगा बारह किलोग्राम आ जाएगा ना जाने क्यों ध्यान से सुनना ना जाने क्यों ये जब भी एक दो बार एग्जाम्स में पूछा गया है सेम वैल्यू आठ 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 या दस 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 या छ के साथ ही पूछा गया है मैं आपके सामने इक्वेशन बना चुका हूं आप मुझे देख के बताएं अगर ये आठ की जगह छ होता अगर ये आठ की जगह दस होता और ये आठ होता तो उससे मैथमेटिक्स बदलती क्या नहीं बदलती मतलब आपको कोई मतलब नहीं है कि ये आठ 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 है सेम वैल्यूज हैं या अलग वैल्यूज हैं आपको जो भी चीजें दी है आठ 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 उन्हें जोड़ के दो से डिवाइड करो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी कि 12 किलोग्राम टोटल सब्जी है इसमें और ट्विस्ट क्या आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कारण बता चुका हूं करना क्या है ये भी बता चुका हूँ हाँ या ना एक बार इसको देखो घूर के और लिख भी लो दोस्तों अभी वो अलग अलग वाले बताऊंगा राकेश कह रहा है सर चार चीजें हो तो क्या करेंगे तीन चीजें थी अरे चार चीजें पांच चीजें छह चीजें सब बताऊंगा थोड़ा पेशेंस रखो आया हूं तो सब बता के जाऊंगा दोस्तों जाने से पहले जो चल रहा है वो कंप्लीट होगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा फिर भी बताऊंगा एवरीथिंग विल बी टोल्ड आपको लगातार जोड़ना है भाई ने बिल्कुल सही पूछा कि सर यहां तो एबीसी आलू बैंगन ककड़ी तीन चीजें हैं ये चार हो जाए तो मैंने कहा चार पांच छह कितनी भी हो जाएंगी बताऊंगा पहले समझ लो बस <coughs> हाँ दोस्तों क्या बातचीत चल रही है सर पटवार के लिए टिक ठीक है ना बिल्कुल पटवार वाले दिल्ली पुलिस वाले राजस्थान पुलिस वाले यूपी पुलिस वाले यूपी पुलिस एस वाले सब लोग इसको देख सकते हैं और सबको इससे फायदा मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ें देखो भाई इस क्वेश्चन में देखो और अब अब चुटकियों में करना है क्या करना है चुटकियों में करना है क्वेश्चन देखो एक फल वाले के पास नौ किलोग्राम छोड़कर सब आम हैं सात किलोग्राम छोड़कर सब चीकू हैं 12 किलोग्राम छोड़कर यहाँ भी छोड़कर है ठीक है छोड़कर सब केले हैं तो कुल फल कितने किलोग्राम हैं मैंने आपको क्या कहा नौ प्लस सात प्लस बारह बटा दो नौ प्लस सात सोलह सोलह प्लस बारह अट्ठाईस अट्ठाईस बटा दो यानी चौदह किलोग्राम ये क्या हो गए टोटल हो गए ठीक है कारण भी बता चुका हूं दोस्तों आप वापस अगर इस क्वेश्चन पे आऊं एक चीज सुनना आपसे पूछूं मैं अगर टोटल कितना है तीनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दिया अगर मैं यहाँ पूछूं कि बताओ जरा उसके पास में आलू कितने हैं उसके पास में आलू कितने हैं तो आपने ही तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है मैंने पूछा आलू कितने हैं उसने कहा उसने उत्तर दिया आठ किलोग्राम छोड़कर सब आलू हैं। दोस्तों आप टोटल निकाल चुके हो टोटल निकाल चुके हो उसमें से आठ किलोग्राम छोड़ दो बारह किलोग्राम में से आठ किलोग्राम छोड़ दो मैंने कहा छोड़ दिया कितना बचा चार बोला सब आलू हैं वैसे ही यहां क्या बोल रहा है देखो उसके पास कुल फल कितने हैं मैंने बोला चौदह किलोग्राम है अगर क्वेश्चन होता बताइए उसके पास आम कितने किलोग्राम है बताइए उसके पास में चीकू कितने किलोग्राम है बताइए उसके पास में केले कितने किलोग्राम हैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कोई इक्वेशन फीक्वेशन मत बनाना टोटल कितने किलोग्राम फल हैं सर टोटल चौदह किलोग्राम फल हैं मैंने बोला क्या चाहिए बोला सर आम चाहिए मैंने कहा आम के लिए क्या बोल रहा है बोल रहा है सर नौ किलोग्राम छोड़कर सब आम हैं मैंने बोला चौदह में से नौ छोड़ो जब छोड़ने को बोल रहा है तो छोड़ो चौदह में से नौ छोड़ा तो सब आम ही आम है बोला क चीकू कितने हैं मैंने कहा चीकू के लिए क्या बोल रहा है बोल रहा है सात किलोग्राम छोड़कर सब चीकू हैं। मैंने कहा चौदह में से सात छोड़ दो छोड़ दो सब चीकू हैं। मतलब सात किलोग्राम चीकू हैं मैंने बोला केले कितने हैं सर बारह किलोग्राम छोड़ने को बोल रहा है मैंने कहा इसके पूरे ठेले में से अगर मैं बारह किलोग्राम छोड़ दूँगा तो जो दो किलोग्राम बचेगा ये दो किलोग्राम सब सब केला ही केला है तो केले कितने किलोग्राम हो गए दोस्तों दो किलोग्राम हो गए बात गहराई से समझे कि नहीं अरे हाँ या ना गुड हाँ दोस्तों समझ में आ गया होगा अब अगर ये चार चीजें हो जाए क्या हो जाए चार चीजें हो जाए क्वेश्चन देखना जरा क्वेश्चन कह रहा है एक सब्जी वाले के पास एक सब्जी वाले के पास बारह किलोग्राम छोड़कर छोड़कर सब भिंडी है सोलह किलोग्राम छोड़कर सब बैंगन है सत्रह किलोग्राम छोड़कर सब ककड़ी है और अठारह किलोग्राम छोड़कर सब प्याज है और क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल बताओ क्वेश्चन में पूछ रहा है प्याज बताओ दोस्तों आप क्वेश्चन को सुनना एक चीज नोट करना क्या नोट करूं सर एक चीज ये नोट करना दोस्त कि जब ये तीन चीजें थी ए बी और सी तीनों को जोड़कर दो से डिवाइड किया था तीनों को जोड़कर दो से डिवाइड किया था अब ये चार चीजें हो जाएं तो देखो तीन चीजें थी तीनों को जोड़कर दो से डिवाइड किया था चार चीजें हो जाएं तो चारों को जोड़कर तीन से डिवाइड करना कारण भी समझाऊंगा, कारण भी समझाऊंगा, एक बार फटाफट से आंसर दो और बताओ मज़ा आया कि नहीं हाँ दोस्तों देखो अगर आपसे टोटल पूछा कितनी चीजें हैं सर ये चार चीजें हैं पहले रटवा रहा हूँ फिर समझाऊँगा जस्ट एट देम बारह प्लस सोलह अट्ठाईस प्लस सत्रह पैतालीस प्लस अठारह तिरसठ तिरसठ बटा तीन यानी इक्कीस किलोग्राम इक्कीस किलोग्राम क्या निकला दोस्तों टोटल निकला उसके बाद प्याज पूछ लिए मैं कह रहा हूं अब तो कुछ भी पूछ ले सपोज करो बोले बताओ बैंगन कितना है प्याज कितना है चारों में से कुछ भी पूछ ले तो आप ही मुझे बताओ प्याज के लिए क्या बोल रहा है बोल रहा है 18 किलोग्राम छोड़कर सब 18 किलोग्राम छोड़कर सब मैंने कहा इसका मतलब 18 छोड़ दूं तो फिर तो तीन किलोग्राम ही बचा तीन किलोग्राम ही बचा बोले बैंगन कितना है सोलह किलोग्राम छोड़कर सब सोलह किलोग्राम अगर दोस्तों इक्कीस में से छोड़ दू तो पांच किलोग्राम बचा वो पांच किलोग्राम क्या हो गया बैंगन उसी तरह ककड़ी या भिंडी भी पूछी जाए तो निकल लेगी अभी कारण जानना चाहते हो क्या कारण जानना चाहते हो तो कारण भी सुन लो अगर सपोज करो भिंडी को नाम देता हूँ ए बैंगन को नाम देता हूँ बी ककड़ी को नाम देता हूँ सी और प्याज को नाम देता हूँ डी तो 12 किलो छोड़ के सब भिंडी हैं मतलब ए के अलावा बी सी डी ए के अलावा बी सी डी 12 है बी के अलावा ए सी डी बी के अलावा ए सी डी 16 है सी के अलावा ए बी डी सी के अलावा ए बी डी सत्रह है और डी के अलावा ए बी सी अठारह दोस्तों अब जब मैं यहां पे जोड़ूंगा तो ए तीन बार बी भी तीन बार सी भी तीन बार और डी भी तीन बार तो ये इक्वेशन बन जाएगी थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी प्लस थ्री डी मतलब तीन कॉमन और 12 प्लस सोलह अट्ठाईस प्लस सत्रह पैंतालीस और अट्ठारह तिरसठ तो टोटल निकालने के लिए ये तीन यहाँ आएगा कि नहीं मतलब चार चीज़ें हो तो जोड़ के तीन से डिवाइड करो हालांकि चार चीज़ों का क्वेश्चन कभी नहीं बना पांच चीज़ें भी आ जाएं तो जोड़ के चार से डिवाइड छह चीज़ें आ जाएं तो जोड़ के पांच से डिवाइड सात चीज़ें आ जाएं तो जोड़ के छह से डिवाइड हालांकि तीन से ज़्यादा कभी नहीं हुई और अगर हो जाए तो करना आप जानते हो हाँ या ना समझ गए कि नहीं अरे क्लियर है समझ गए सब लोग आगे आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा रहा ठीक है और ये, आज के बाद क्वेश्चन आपके लिए कभी चुनौती नहीं रहेगा जो भाई ने मुझसे पूछा था मैं नाम भूल गया कि सर चार चीजें हो जाएं तो क्या करेंगे अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पांच चीजें हो जाएंगी छह चीजें हो जाएंगी क्या करोगे जानते हो गुड जितनी चीजें हैं तीन है तो जोड़ के दो से डिवाइड करो चार है तो जोड़ के तीन से डिवाइड करो और बाकी सब तो क्वेश्चन में ही लिखा है ठीक है आगे करें आगे करें समझ में आ रहा है रुचि बननी चाहिए उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा रुचि बननी चाहिए इंटरेस्ट आना चाहिए दोस्तों अब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ मैथामेटिकल रीजनिंग मैथामेटिकल अर्थमेटिकल रीजनिंग का सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन बैंक पीओ से लेकर आईएएस से लेकर कांस्टेबल तक के एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम रीजनिंग का नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो और मेरे दोस्तों को आता भी है जो आप लोग लाइव देख रहे हैं आप में से कई ज़्यादातर लोग को आता भी होगा पर आपको आता है इसलिए मैं क्वेश्चन ना लेकर आऊं तो ये उनके साथ नासाफ़ी होगी जिनको ये नहीं आता है दोस्तों पहले रट मुर्गियां और बकरियां हैं कुल सिरों की संख्या द टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर फोर्टी फाइव और कुल पैरों की संख्या द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज वन फोर्टी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक पहले सुन लो तरीका बाद में देखेंगे दोस्तों आपको सिर दिए जाएंगे और पैर दिए जाएंगे 140 दिए मैंने ठीक है मैं आपसे क्या बोल रहा हूं जरा गौर से सुनना छोटी संख्या का डबल करो और बड़ी संख्या का आधा करो और घटाने पे जो मिलेगा वो हमेशा दो पैर वाले चीजें मिलेंगी यानी मुर्गियों की संख्या मिलेगी दो पैर वालों क्या किया मैंने ध्यान से सुनना छोटी संख्या का डबल किया और बड़ी संख्या का आधा किया उन्हें घटाया तो हमेशा दो पैर वाले चीज़ों की संख्या मिलेगी जो देखो एक बड़ा एक छोटा है छोटी का डबल बड़ी का आधा घटाया तो हमेशा दो पैर वाली चीज़ें मिलेंगी अब कारण जानना चाहते अब देखो मुर्गियाँ बीस निकली पर आपसे किसी ने पूछा है बकरियाँ कितनी है दोस्तों सिर की संख्या 45 है सिर की संख्या मतलब सिर तो सबका एक एक होता है तो सिर की संख्या का मतलब टोटल जानवर पैंतालीस है, है ना सिर की संख्या का मतलब जानवर पैतालीस जानवरों में से बीस मुर्गी है तो पैतालीस माइनस बीस जो पच्चीस बची वो पच्चीस क्या हो गई बकरी हो गई पैतालीस में से घटा लो मुर्गी पूछा है तो डायरेक्ट मिल गया बकरी पूछा है तो पैंतालीस या जो भी सिरों की संख्या दी उसमें से घटा लो दोस्तों करके दिखाऊं अगर तो मैं मान लेता हूं कि मुर्गियां एक्स हैं, मुर्गियां एक्स हैं और बकरियां वाई हैं। अगर ऐसा है तो सिर सबका एक, एक जैसे सबका मालिक एक है वैसे ही सबका सिर भी तो दशरथ दशानंद रावण के अलावा सबका एक है पैतालीस क्वेश्चन में कहा और पैरों की संख्या दोस्तों एक मुर्गी का दो लेग पीस लेग पीस नहीं दो पैर होता है कि नहीं तो एक्स मुर्गियों का टू एक्स पैर हाँ या ना एक बकरी का चार पैर तो वाई बकरी का फोर वाई पैर इसकी वैल्यू 140 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपके अपने अपने तरीके हैं कोई अप, फिक्स चीज नहीं है मैंने ये तरीका कैसे बनाया मतलब ये तरीका इस इक्वेशन से ही आया है कैसे जरा गौर से सुनना अगर मैं इस इक्वेशन को दुगना कर दूं और इस इक्वेशन को आधा कर दूं दोस्तों तो मुझे यह पहली इक्वेशन क्या मिलेगी टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू नब्बे और इस इक्वेशन को आधा कर दूं तो 2x का आधा x टू फोर का आधा 2y 140 का आधा 70 और अब मैं इक्वेशन को घटाऊं तो 2y 2y कट गया 2x एक्स माइनस एक्स एक्स नब्बे सत्तर बीस एक्स आपने किसको माना था मुर्गी की संख्या को तो इक्वेशन सॉल्व करने के ही तरीके को हमने याद कर लिया हमने बोला मुर्गी बकरी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेम रहेगा एक दो पैर वाली जान पैरों वाले कुछ होंगे और एक चार पैरों वाले कुछ होंगे दो पैरों और चार पैर के जीव के बारे में प्रश्न बनेगा मतलब हमेशा इक्वेशन x प्लस वाई और 2x एक्स प्लस फोर ही बनेगी तो हमेशा ये करने से आंसर आएगा इसको हमने रट लिया क्या रट लिया छोटी संख्या का डबल सिरों की संख्या ही हमेशा कम होगी छोटी सिरों की संख्या ही होगी छोटी संख्या का डबल बड़ी संख्या का आधा माइनस करना है फिर डिवाइड बाय टू नहीं करना है सिर्फ माइनस करना है और जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा दो पैर वाले जानवरों की मिल जाएगी बात भेजे में घुसी बात भेजे में घुसी एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे उसके बाद में चाहो तो लिख लेना <coughs> क्या बोल रहे हैं देखो एक खेत में कुछ गाय व उनके स्वामी हैं दोस्तों गाय का स्वामी सांड नहीं गाय का स्वामी मतलब मालिक यानी ओनर यानी आदमी समझ रहे हो कुछ लोग समझेंगे सर गाय का स्वामी सांड होता है नहीं भाई ठीक <laughs> है तो कुछ गाय और उनके स्वामी मतलब आदमी है और गाय हैं बोले कुल सिर 48 हैं और कुल पैर 180 हैं है गाय कितनी है और आदमी कितने हैं अभी पेन छू लिया दोस्तों तो इस जीवन को निरर्थक समझूंगा इस जीवन को निरर्थक समझूंगा अगर पेन छू लिया तो अंग्रेजी वाला बच्चा ये मत कहना सर अंग्रेजी में लिखो अरे द नंबर ऑफ हेड्स आर आर 180 इसको क्या पेन इंग्लिश में लिखूं और क्या हिंदी में लिखा है हाँ या ना? ओके खेत में कुछ गाय और उनके स्वामी है मैंने बोला भाई अड़तालीस और एक तुमने दिया है सिर दिए हैं और पैर दिए हैं अब क्या करना है बताओ तो सर तीसरा तरीका भी बताओ तीसरा तरीका कौन सा बताओ रे तीसरा तरीका कौन सा होता है हां कुंदनी हमेशा दो पैर और चार पैर वाले में एक ट्रिक चल जाएगी ठीक है हाँ एक बात बताओ छह हजार लोग लाइव हैं तो साढ़े चार हजार ही लाइक्स क्यों क्या बचे हुए पंद्रह सौ को मुझसे कोई प्रेम नहीं है अगर है तो लाइक कर देना नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है वैसे भी गुरु दोस्तों एकदम निर्वोही टीचर जो होता है निर्मोही जीवड़ा होता है कोई मोह नहीं है कोई माया नहीं है सिर्फ दोस्तों प्रश्न है और उसका उत्तर है सिर और पैर दिए हैं मैंने क्या बताया कि सिर का डबल कर लो और पैर का आधा कर लो 96 और 90 को घटाओ जो 6 बचा जो 6 बचा वो दो पैर वाले दो पैर वाले इस केस में क्या है आदमी तो ये तो है आदमी दोस्तों टोटल कितने लिविंग बींग्स थे टोटल जीव थे 48 सिर सबका एक एक होता है टोटल 48 जीव में से लिविंग बींग्स में से छ आदमी है तो 48 माइनस छः जो 42 बची वो 42 क्या हो गई दोस्तों गाय मोस्ट प्रोबेबली आपसे गाय पूछेंगे तो वो आंसर भी निकालते हैं और अगर इंसान यानी मनुष्य पूछा तो भी आप आंसर जानते हैं अरे हाँ या ना बोलो बात सबको समझ में आ गई है बात सबको समझ में आ गई है मैं आगे बढ़ सकता हूँ मुझे लगता है अब क्या भाई अगर ये ऑफलाइन क्लास होती हमारे पास एम्पल टाइम होता मैं ऐसा एक आधा क्वेश्चन और करवाता पर ऐसा एक आधा क्वेश्चन अभी कराने से लाइव कराने से ऑनलाइन कराने से एग्जाम के इतने क्लोज आके कराने से आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा मज़ा नहीं आएगा जिंदगी का सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ ठीक है आगे बढ़ना चाहता हूँ बताओ ये सब कर लिया कि नहीं कर लिया गया भाई क्वेश्चन अपना है ना कर लिया सबने आगे बढ़े क्या दोस्तों टाइप थ्री टाइप थ्री जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हमारी आज की क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट करके ये जो अर्थमेटिकल रीजनिंग में और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपने देखे हैं ता कल की क्लास है ना भाई मेरे दिमाग में है मुझको और किस किस तरह के क्वेश्चन कराने हैं मैं आपको आगे वो बंदर ऊपर नीचे होता है एक मिनट में ऊपर चढ़ा एक मिनट में नीचे चढ़ा वो भी कराऊंगा और साथ ही साथ वो प्लस को माइनस बोला माइनस को प्लस बोला वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा वो सारी चीजें तो कराऊंगा ही आपके दिमाग में और क्या क्या है कि सर अर्थ रीजनिंग में एक क्वेश्चन ऐसा भी है सर वो अर्थ रीजनिंग में आता है कि नहीं अगर आता हो तो सर आप अगली क्लास में प्लीज इंक्लूड कर देना आपके पास मौका है क्योंकि अर्थ रीजनिंग की कोई लिमिट नहीं है देर इज नो लिमिट टू अर्थ रीजनिंग किसी टॉपिक से हटकर कुछ भी पूछ लिया जाए इसको विविध यानी मिससेलियस भी कह सकते हो इसको मैथामेटिकल ऑपरेशन भी कह सकते हो हालांकि मैथामेटिकल ऑपरेशन हम वो प्लस को माइनस कहें डिवाइड को मल्टीप्लाई कहें को कहेंगे मैथामेटिकल ऑपरेशन भी कह सकते हो एरिथमेटिकल रीजनिंग भी कह सकते हो क्लियर है या नहीं हाँ इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों अब इस ये क्वेश्चन फिक्स बनता है इसी तरह का बनता है और यही क्वेश्चन बनता है आपसे बोल रहे हैं टंकी में पानी प्रत्येक मिनट में दुगना हो जाता है द वॉटर इन अ टैंक डबल्स इट सेल्फ एवरी एवरी मिनट इंग्लिश में लिख देता हूँ चौबीस मिनट में पूरी टंकी भर जाए हाँ दोस्तों अब मेरी बात सुनना एक टंकी प्रत्येक मिनट में दुगनी भरती है दुगनी डबल भर जाती है चौबीस मिनट में पूरी टंकी भर जाए तो एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा एक चौथाई भरने में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आधा भरने में कितना समय लगेगा आधा भरने में कितना समय लगेगा और जो मैंने क्वेश्चन पूछा वन फोर्थ भरने में वन फोर्थ यानी एक चौथाई मैं कह रहा हूं रटने से तो काम चलेगा नहीं रटने से तो काम चलेगा नहीं कॉमन सेंस से समझना दोस्तों अगर यह पूरी टंकी सौ लीटर की है तो सौ लीटर पूरा भर गया चौबीस मिनट में आधा भरने में कितना समय लगा आप में से कुछ लोग कहेंगे सर 12 मिनट लगा जो इस तरह के क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं कि सर कॉमन सेंस की बात है पूरा भरने में 24 तो आधा भरने में 12 मैंने कहा नहीं भाई यहाँ पे क्वेश्चन तो देखो एक टंकी में पानी प्रत्येक मिनट में दुगना हो जाता है वाटर इन अ टैंक डबल्स इट सेल्फ एवरी मिनट मतलब अगर पहले घंटे में दस था तो अगले घंटे में बीस उसके अगले घंटे में चालीस उसके अगले मिनट में अस्सी उसके अगले मिनट में एक ऐसे करते करते तो दोस्तों जिस मिनट में सौ हुआ उससे ठीक पहले पचास रहा होगा तभी तो पचास का डबल सौ हो गया मतलब पूरा भरने में अगर चौबीस मिनट लगे तो पूरा किसका डबल है पूरा किसका डबल है वन किसका डबल है आधे का मतलब इससे ठीक तेईसवें मिनट में वो आधी भर गई होगी आधी से पूरी हो गई तो इसमें आपका आंसर हमेशा दोस्तों इसमें चौबीस माइनस एक चौबीस माइनस एक तेईस होगा और एक चौथाई भरने में दोस्तों लास्ट मिनट में पूरी उससे पहले आधी और फिर आधी की भी आधी आधी की आधी बोले तो वन फोर्थ यानी चौईस माइनस दो बाईस ये रटवा नहीं रहा हूं बस दिखा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा अरे हाँ या ना क्लियर है दोस्तों सबको हाँ आधा भरने में तेईस और वन फोर्थ भरने में बाईस भाई चौबीसवें मिनट में सौ तो तेईसवें मिनट में पचास आधी टंकी सौ का आधा पचास और बाईसवें मिनट में पचास किसका डबल होता है पच्चीस का डबल होता है तो पच्चीस से पचास पचास से सौ डबल, डबल 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 तो कितना टाइम लगा भाई बाईस मिनट लग गए क्लियर है या नहीं है गुड तो दोस्तों आज यहाँ पे ये क्लास मैं करता हूँ पूरी होमवर्क के क्वेश्चन लेते जाओ कौन से क्वेश्चन लेते जाओ होमवर्क के क्वेश्चन लेते जाओ मज़ा आ जाएगा अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो क्या होमवर्क के क्वेश्चन है और आपको अगर मेरी थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट है तो कमेंट में इनके आंसर्स मत देना अभी कमेंट में इनके आंसर्स मत देना सिर्फ आंसर्स कल जब लाइव मिलेंगे तब देना अभी आंसर दोगे तो दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगेगा बाकी चॉइस आपकी है किसी को जाके रोका नहीं जा सकता क्वेश्चन क्या है देखो एक घंटी छह बार बजने में तीस सेकेंड लेती है दस बार बजने में कितना समय लेगी आंसर मत देना अगर मेरी थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट है तो ठीक है एक घंटी चार बार बजने में चौबीस सेकंड लेती है तो आठ बार बजने में कितना समय लेगी आप में से जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पहली बार देख रहे हैं गाइस इतना सिंपल अगर होता कि तीस अपॉन छः इन टू दस तो मैं शायद ये क्वेश्चन नहीं देता थोड़ा सा रीजनिंग लगाना है पर अभी मुझे लगता है कि समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा तो इट्स टाइम फॉर मी टू लीव सतीश तोकीर रेणु श्याम और और भी बहुत सारे सुमन अजय जितेंद्र काव्या सत्येंद्र श्याम शिव सबको मेरा एक बार फिर से नमस्कार लगातार दोस्तों उत्कर्ष उत्कर्ष से जुड़ते रहिएगा हमारे हमारे वीडियोस को अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस नब्बे दिन की मैराथन में हमसे जुड़ पाएँ और उनका भी कुछ भला हो पाए अभी के लिए इतना ही अपना ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए हैव अ नाइस डे